हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सब टर्म 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 16 तक के क्लास करवाए आपके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17। और इसी तरह के क्लास, रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन इतने क्वेश्चन के पूरे आपको पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक के तौर पे मिल जाएगा। और आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको गियर के जो कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। उसके बाद स्क्वायर थ्रेड की कटिंग टूल की डेप्थ किस तरह से निकाला जाता है, वेट किस तरह से निकाला जाता है, पूरे कैलकुलेशन इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि पूरे कैलकुलेशन वगैरह आपको समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर इन कंपाउंड गियर ट्रेन मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक कंपाउंड गियर ट्रेन का डायग्राम दिखाया गया है और जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए गियर का नाम क्या है जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड टाइप कंपाउंड गियर ट्रेन का जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट को पूछा गया है नाम। इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट ड्रीवन, तीसरा ऑप्शन है सेकंड ड्राइवर और चौथा ऑप्शन है सेकंड ड्रीवन। जैसे क्वेश्चन में कंपाउंड गियर ट्रेन बोला गया है तो कंपाउंड गियर ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं और दो ड्रीवन होते हैं। तो जो एक्स के रूप में दिखाया गया था इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेकंड ड्रीवन। सेकंड ड्रीवन कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो पहला गियर है ये हमारा फर्स्ट ड्राइवर है और इसके साथ जो मैच हुआ ये फर्स्ट ड्रीवन, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट सेकंड ड्राइवर और लास्ट में जो दिया था सेकंड ड्रीवन। इस तरह से कंपाउंड गियर ट्रेन में गियर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का काम क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया कि आइडलर गियर का पर्पस क्या होता है। जैसे सिंपल गियर ट्रेन में तीन ही गियर होते हैं ड्राइवर आइडलर और ड्रीवन, तो आइडलर गियर का पर्पस क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस गियर रेशो, मतलब गियर के रेशो को रेड्यूस करने कम करने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर, मतलब पावर को ट्रांसफर करने के लिए ड्राइवर से ड्रीवन गियर तक। फिर तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस स्पिंडल स्पीड और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पर आइडलर सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का क्या उद्देश्य है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर, मतलब पावर को ट्रांसमिट आइडलर गियर के द्वारा पावर को ट्रांसलेट किया जाता है ड्राइवर गियर से ड्रीवन गियर तक, क्योंकि सबसे पहले गियर हमारा ड्राइवर होता है सिंपल गियर ट्रेन में, बीच में होता है आइडलर और तीसरे नंबर पर होता है ड्रीवन। तो ड्राइवर से ड्रीवन तक को पावर ट्रांसलेट करने के लिए बीच में आइडलर गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पैरामीटर विल डिसाइड द ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर रेशियो टू कट थ्रेड ऑन लेथ। लेथ मशीन में अगर हमें थ्रेडिंग कट करना है तो ड्राइवर और ड्रीवन गियर के रेशो किसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, कौन से पैरामीटर के ऊपर डिसाइड किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब जो जिसके ऊपर हमें थ्रेडिंग करना है उसका बड़ा डायमीटर, या फिर सेकंड ऑप्शन है पिच, या फिर तीसरा ऑप्शन है रूट ऑफ डायमीटर और चौथा ऑप्शन है एंगल ऑफ थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच पैरामीटर डिसाइड टू द ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर, मतलब ड्राइवर और ड्रीवन के जो गियर के टीथ होते हैं वो कौन से पैरामीटर के ऊपर डिसाइड किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिच, पिच के ऊपर गियर रेशो का कैलकुलेट करके गियर की रेशो हमें निकालना होता है और उसी के हिसाब से गियर सेट करके फिर थ्रेड कट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द चेंज गियर टू कट 6 mm पिच ऑन अ वर्क हैविंग लीड अप लीड स्क्रू 5 mm पिच। तो हमें कैलकुलेट करना है गियर रेशो जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 mm पिच का हमें थ्रेड कट करना है और उसमें लीड स्क्रू का पिच दिया है 5 mm। तो सबसे पहले हम आपको ये ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाएंगे किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो इसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6 mm की हमें थ्रेड कट करना है और जिसका लीड अप लीड स्क्रू है 5 mm, तो इसका गियर ट्रेन
किस मतलब गियर के टीथ कौन कौन से साइज के होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें गियर अवेलेबल है हमारा 20 mm से 20 mm, 120 तक 5-5 mm के फर्क से। जैसे पहला ऑप्शन है ड्राइवर 60 टीथ वाले और ड्रिवन 50 टीथ के, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर 40 टीथ के और दूसरा ड्रिवन 20 टीथ के, तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर 85 टीथ एंड ड्रिवन 60 टीथ, और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर 100 टीथ एंड ड्रिवन 25 टीथ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द चेंज गियर, मतलब गियर ट्रेन हमें गियर रेशियो कैलकुलेट करना था, जिसमें 6 mm की पिच की हमें थ्रेड कट करना था और लीड स्क्रू हमारा था 5 mm। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राइवन 60 टीथ के और ड्रिवन 50 टीथ के। तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जैसे क्वेश्चन ने पूछा गया था कि कैलकुलेट द चेंज गियर टू कट 6 mm पिच, 6 mm पिच की हमें थ्रेड कट करना था और इसमें लीड स्क्रू था 5 mm की। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर रेशो इजिकल टू लीड अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड अप लीड स्क्रू, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है, लीड अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड अप लीड स्क्रू। तो लीड अप वर्क हमारा कितना दिया, जिस जितने एमएम का हमें थ्रेड कट करना है वहां उसको रखना है लीड अप वर्क में, तो 6 mm का हमें 6 mm पिच के थ्रेड कट करना था, इसलिए 6 mm इस तरह से वैल्यू पुट अप कर देंगे फार्मूला में। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन वैल्यू पुट अप करने के बाद उसे ऐसे एक संख्या से डिवाइडेशन मल्टीप्लाई करना है जो ए 20 20 टीथ से 120 टीथ के बीच में हमारा गियर बराबर आ सके। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से, जो पीच था हमारा 6 mm की से 10 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 60 टीथ के आता है, और जो हमारा लीड अप लीड स्क्रू है 5, इसे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 आता है। तो इसका जो सही आंसर था 60 टीथ ड्राइवर और 50 टीथ ड्रिवन के। ध्यान में रखें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस ऐसे एक संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे टीथ की अवेलेबिलिटी दिए थी 20 20 टीथ से 120, उसमें से ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर ट्रेन का एडवांटेज क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एफेक्ट गियर रेशो, दूसरा डोज नॉट एफेक्ट गियर रेशो, तीसरा है चेंज द स्पीड और चौथा ऑप्शन है इजी टू एंगेज। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आइडलर सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का एडवांटेज क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोज नॉट अफेक्ट गियर रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह का रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द गियर रेशियो इफ द लेथ कॉन्स्टेंट वैल्यू इज ऑन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि लेथ स्थिरांक मान 1 है तो गियर रेशियो क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन है 6। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द गियर रेशियो इफ द लेथ कॉन्स्टेंट वैल्यू इज ऑन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लेथ इज यूज टू कैच थ्रेड क्विकली, लेथ मशीन के किस भाग का प्रयोग थ्रेड को जल्दी पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा चेसिंग डायल और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के किस भाग का प्रयोग थ्रेड को जल्दी पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेसिंग डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ 10 mm पिच बटरस थ्रेड, 10 mm पिच की बटरस थ्रेड की अगर हमें विड्थ कैलकुलेट करना है तो इसका आंसर कितना आता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है 1.25 mm, दूसरा ऑप्शन है 2.25 mm, तीसरा ऑप्शन है 3.25 mm, चौथा ऑप्शन है 4.25 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ, मतलब बटरस थ्रेड का हमें फ्लैट विड्थ कैलकुलेट करना था जो 10 mm पिच का थ्रेड दिया गया था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 1.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड, तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है थ्रेड का, तो इस थ्रेड को पहचान के इस थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो थ्रेड दिया गया है थ्रेड को पहचानना बहुत जरूरी है, जो देख सकते हैं कि थ्रेड को अगर हमें पहचानना, तो इसमें जो एंगल दिया है एंगल के हिसाब से हम थ्रेड को पहचान सकते हैं। तो इस थ्रेड का एंगल दिया है 45 डिग्री, तो और 45 डिग्री कौन से थ्रेड का एंगल होता है, बटरस थ्रेड का। तो बटरस थ्रेड का उपयोग कौन
कौन से कामों के लिए उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन यूज्ड इन कारपेंटर वाइस, मतलब कारपेंटर वाइस में यूज किया जाता है, या फिर स्क्रू जैक में यूज किया जाता है, या फिर नट बोल्ट में यूज किया जाता है, या फिर मशीन वाइस में यूज किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए थ्रेड को उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्क्रीन पर जो थ्रेड दिखाया गया ये हमारा बटरस थ्रेड है, और बटरस थ्रेड को उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए यूज्ड इन कारपेंटर वाइस, कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड को उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में भी बोला पूछा गया था कि इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू जैक, दूसरा लीड स्क्रू ऑफ लेथ, मतलब लेथ मशीन के लीड स्क्रू में, या फिर कारपेंटर वाइस में, फिर चौथा ऑप्शन है जनरल पर्पस नट एंड बोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारपेंट्री वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, डायमीटर 30 mm, पिच 3 mm। बटरस थ्रेड का डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए थ्रेड का डायमीटर दिया है 30 mm और उसका पिच है 3 mm। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है पहला 1.25 mm, दूसरा 1.5 mm, तीसरा 2.25 mm, और चौथा ऑप्शन है 3 mm। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटर थ्रेड, बटर थ्रेड की हमें डेप्थ कैलकुलेट करना था, जिसका जिसके लिए थ्रेड का डायमीटर दिया है 30 mm और पिच दिया 3 mm। तो इसके आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 2.25 mm। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि किस तरह से जो आंसर आया है 2.25 mm, तो कौन से फॉर्मूला का उपयोग करके किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन है, जो क्वेश्चन में दिया गया था कि बटर थ्रेड का डेप्थ हमें कैलकुलेट करना था, थ्रेड का डायमीटर दिया है 30 mm और पिच दिया है 3 mm। तो सबसे पहले फार्मूला देखना है कि फार्मूला कौन सा यूज होता है इसमें डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला हमारा डेप्थ ऑफ बटर थ्रेड इज इक्वल टू डेप्थ इंटू पिच। तो जैसे हमें कैलकुलेट करना था डेप्थ ऑफ बटर थ्रेड, उसके बाद डेप्थ होता है बटर थ्रेड का डेप्थ होता है 0.75 mm, और मल्टीप्लाई बाय पिच, पिच कितना दिया 3 mm, और इन दोनों का कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है हमारा 2.25 mm। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का प्रयोग करके डेप्थ बटर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट पावर, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है जनरल फास्टनिंग, मतलब जनरल कोई भी वर्क करने के लिए, फिर चौथा ऑप्शन है फॉर क्लैंपिंग, मतलब कोई भी जॉब को क्लैंप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड, तो स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू ट्रांसमिट पावर, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक मशीन, स्क्रू जैक मशीन में कौन से टाइप का थ्रेड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा बटर थ्रेड, और चौथा ऑप्शन है वी थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हम स्क्रू जैक यूज करते हैं, स्क्रू जैक में कौन से टाइप का थ्रेड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट स्क्वायर थ्रेड ऑफ 60 × 9 mm पिच, एक स्क्वायर थ्रेड का साइज दिया गया है, तो इस साइज का अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो स्क्वायर थ्रेडिंग टूल का विड्थ कितना होगा, यही कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेना है कि साइज जो दिया है 60 mm स्क्वायर थ्रेड का साइज है, और उसका पिच कितना है 9 mm। तो इसके हम कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करके स्क्वायर थ्रेड का विड्थ निकाला जाता है, मतलब स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ चौड़ाई निकाली जाती है, जो भी पिच दिया जाता है पिच के हिसाब से किस तरह से चौड़ाई निकाली जाती है, हम कैलकुलेशन भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला है 4.5 mm, मतलब 4.5 mm, दूसरा है 9.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 9 mm, और चौथा ऑप्शन है 8.5 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट अ स्क्वायर थ्रेड, मतलब अगर हमें स्क्वायर थ्रेड इस साइज की अगर हमें स्क्वायर थ्रेडिंग करना है तो कटिंग टूल का विड्थ कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 4.5 mm। तो स्क्वायर थ्रेड की अगर टूल की हमें विड्थ कैलकुलेट करके निकालना है तो किस तरह से निकाला जाता है,
ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर थ्रेडिंग करते हैं तो कटिंग टूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कटिंग टूल को कितना थिकनेस रखा जाता है, चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला हमारा है वेट ऑफ कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल का जो वेट हमें निकालना है वही फॉर्मूला है। वेट ऑफ कटिंग टूल इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टू, जो भी पिच दिया जाता है उससे डिवाइडेड बाय टू करना है। तो यहाँ पर हमें पिच दिया गया था कितना, 9 mm और डिवाइडेड बाय टू, तो 9 भागीले 2 करने के बाद कितना आता है, 9 को 2 से भागा कर करने के बाद 4.5 mm। तो इस तरह से स्क्वायर थ्रेड का जो विड्थ होता है इसे कैलकुलेशन करने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड लीड ऑफ सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच का रिलेशनशिप क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब लीड और पिच किस तरह से होते हैं, सिंगल एज इट इज होते हैं या फिर डबल होते हैं या फिर ट्रिपल होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच किस प्रकार से होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड इज ट्वाइस द पिच, दूसरा ऑप्शन है लीड इज हाफ द पिच, और तीसरा ऑप्शन है लीड इज इक्वल टू पिच, और चौथा ऑप्शन है लीड इज 1/4 पिच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच का लीड और पिच किस प्रकार से होते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड इज इक्वल टू पिच, मतलब लीड और पिच दोनों इक्वल होते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। और डबल स्टार्ट थ्रेड अगर बोले जाते तो इस जगह पर दूसरा चेंज हो जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। डबल स्टार्ट थ्रेड या फिर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड के क्वेश्चन भी हम आगे आने वाले। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच किस प्रकार से होते हैं, तो इसका आंसर था हमारा लीड और पिच इक्वल होते हैं।